हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज़ बरखा हेयर. सो आज हमने क्रिएट किया है ये बहुत ही प्रिटी, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग स्वेट प्रूफ, वाटर प्रूफ वेडिंग गेस्ट स्लैश पार्टी मेकअप लुक. और ये इतना इजी है गाइस कि अगर आप बिगिनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है. आपको किसी भी पार्लर में जाने की या किसी से भी हेल्प लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. ये इतना प्रिटी ग्लोई स्वेट प्रूफ मेकअप लुक आप खुद घर पे बहुत ही कम टाइम में क्रिएट कर सकते हैं और बहुत बहुत प्रिटी लगता है ये वाला लुक. और आप किसी भी शादी में किसी भी पार्टी में जाएंगे तो आप इस तरह से चमकेंगे, और वो भी बिना किसी की हेल्प, बिना कहीं भी किसी भी सैलून में पैसे खर्च किए. तो अगर आप जानना चाहते हैं, ये फुल ट्यूटोरियल है इस मेकअप लुक का. और अगर आप सीखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि ये लुक हमने कैसे क्रिएट किया है जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए. और अगर अच्छा लगे या हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें. Let's get started. तो अब हम यहाँ पे एक फेस प्राइमर ले रहे हैं. और याद रखें कि प्राइमर आप ज़रूर लगाएं अगर आप किसी भी पार्टी में जा रहे हैं. सबसे बड़ी बात तो ये आपके जो भी आपका बेस मेकअप होता है उसे बहुत ही स्मूथ कर देता है. उसकी एप्लीकेशन को बहुत ही ईजिली अप्लाई होता है आपका जो भी फाउंडेशन होता है, जो भी बेस मेकअप होता है. एंड सेकेंडली, ये आपके मेकअप को बहुत लॉन्ग लास्टिंग बना देता है. तो प्राइमर आप कभी स्किप ना करें. और ये एक लेयर कर देता है आपके स्किन पे, ताकि जो भी आप प्रोडक्ट लगा रहे हैं वो आपकी स्किन के अंदर जाके उसे कुछ नुकसान ना पहुँचाएँ. और अब हम यहाँ पर लिक्विड फाउंडेशन ले रहे हैं. यहाँ हमने मेबलिन फिट मी टॉफी 330 लिया. ये मेरा बहुत ही फेवरेट फाउंडेशन है. और अगर आप मेरे स्किन टोन के हैं तो ये वाला शेड आप यूज़ कर सकते हैं. और इसको हम एक फ्लैट फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे अपने पूरे फेस में. ब्लेंडिंग में आप टाइम लें, यहाँ पे आप जल्दबाजी ना दिखाएं. और हमने कलर करेक्टिंग नहीं की है, तो क्योंकि ये बिगनर्स के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है. और अगर आप सीखना चाहते हैं कलर करेक्टिंग तो आई बटन पर क्लिक करके ज़रूर देखें. तो हमने यहाँ पर एक अच्छे मीडियम कवरेज का फाउंडेशन लिया है. और अब इसके ऊपर हम कंसीलर अप्लाई करेंगे. और कंसीलर जहाँ पे भी मेरे थोड़े बहुत स्पॉट्स हैं और अपने अंडर आइज़ में, और जहाँ पे भी हमें हाईलाइट करना वहाँ हम अप्लाई करेंगे. और लिक्विड कंसीलर लें, ये ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है क्रीम कंसीलर के कंपैरेटिवली. और अब हम अपने इस पूरे बेस मेकअप को एक पाउडर की हेल्प से सेट कर रहे हैं. आप कोई भी पाउडर ले सकते हैं. यहाँ पर हमने मेबलिन फिट मी टॉफी 330 प्रेस्ड पाउडर लिया हुआ है. और इसको हम, मेरी ऑयली स्किन है इसलिए हमने मैट पाउडर लिया है. अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप कोई सा भी पाउडर ले सकते हैं. और अब हम यहाँ पे एक आईब्रो पेंसिल ले रहे हैं. घबराएं नहीं, अपनी आईब्रोज़ को शेप देने से बिल्कुल मत घबराएं. अगर आप बिगनर हैं तो ये इस वीडियो को देखिए, आप सीखें. और अब एक ब्रश की या स्पूली की हेल्प से ऐसे डाउनवर्ड्स कॉम कर लें अपनी आईब्रोज़ को, जिससे आपको अपनी आईब्रो का शेप दिखने लगे. और फिर उसके बाद बस अपने गैप्स को फिल कर लें. कोई ज़्यादा शेप देने की ज़रूरत नहीं है. अच्छे से अपने गैप्स को फिल कर लें जो भी आपके आईब्रो में दिख रहे हैं. और उसके बाद सेम स्पूली या ब्रश से उसको ऊपर की तरफ कॉम कर लें. बस आपका शेप पूरा कंप्लीट हो जाएगा. अब हम यहाँ पे एक लाइट कलर का कंसीलर ले रहे हैं और उसको अपनी आईब्रो को चारों तरफ अप्लाई करेंगे, जिससे कि हमारी आईब्रोज़ क्लीन हो जाएं और एक 3D इफ़ेक्ट आए. आईब्रो का बहुत अच्छा इफेक्ट आता है. और इसको हम एक पॉइंटेड ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर रहे हैं. आपको जो भी ब्रश ईजी लगे आप उससे इसको ब्लेंड कर सकते हैं. बस आईब्रो के ऊपर ना आने दें इसको. अब हम यहाँ पे एक शिमर आई शेडो पैलेट ले रहे हैं. उसको अपनी फिंगर्स की हेल्प से अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कॉपर गोल्ड कलर का आई शेडो अपनी पूरी आईलिड पे अप्लाई कर रहे हैं. और ये जो शिमर कलर्स होते हैं ये फिंगर्स से ज़्यादा अच्छे से अप्लाई होते हैं. तो बस हमने अपनी आईलिड पे उसे अप्लाई किया है. और अब हम यहाँ पे एक स्केच आई लाइनर ले रहे हैं और उससे हम एक पतला सा विंग आई लाइनर बनाएंगे. आपको बहुत ओवर द बोर्ड जाने की ज़रूरत नहीं है. आप एक बहुत ही अपने आई शेप के अकॉर्डिंग आप इसको अप्लाई करें. और हल्का सा एक विंग हम दे रहे हैं यहाँ पे, जो कि बहुत ईजी है. और स्केच आई लाइनर्स बिगनर्स के लिए बहुत ईजी होते हैं, इसलिए हमने यह स्केच आई लाइनर लिया है. अब हम एक ब्रॉन्जर ले रहे हैं. उसके इस वाले शेड को अपने फेस पे अप्लाई करेंगे, जहाँ पे भी हमको थोड़ी सी वार्म्थ चाहिए, अपने हॉलोज ऑफ द चीक्स में, टेम्पल्स पे, नोज़ पे,
जहाँ पे भी हमें थोड़ी सी डेप्थ और वार्म चाहिए वहाँ हम इसे अप्लाई करेंगे, हम कॉन्ट्योरिंग नहीं करेंगे। कॉन्ट्योरिंग थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, ब्रॉन्जिंग बहुत ईजी होती है। बस आपको इस तरीके से अच्छे से अप्लाई करके ब्लेंड करना है, और हम ये एक पॉइंटेड ब्रश से इसे अप्लाई कर रहे हैं। थोड़ी सी वार्मथ आए ताकि फेस पे हमारे। अब हम यहाँ पे एक लिप लाइनर ले लें, एक लिप लाइनर ले रहे हैं और उससे अपने लिप्स को अच्छे से आउटलाइन करेंगे। बिल्कुल भी आप ऊपर या नीचे ना करें, जो आपके लिप्स का शेप है वैसे अप्लाई करें, वरना ये ख़राब हो सकता है अगर आप बिगनर हैं तो। और इसको और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए, जो हमारी लिक्विड लिपस्टिक होगी इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे, उसे और लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए हम अपने पूरे लिप्स पे ये लिप लाइनर अप्लाई करेंगे, तो जो हमारी लिक्विड लिपस्टिक होगी वो और ज़्यादा स्टे करेगी। यहाँ हम हुडा ब्यूटी की लिक्विड लिपस्टिक यूज़ कर रहे हैं एंड इट्स इन द शेड हार्ट ब्रेकर। इसको हम अच्छे से अप्लाई कर लेंगे, और अभी जब हमने अपने लिप लाइनर से शेप दिया है और अपने पूरे लिप्स पे अप्लाई किया है, तो लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई करना बहुत इजी हो जाता है। हमने पूरे लिप्स पे अप्लाई करेंगे। अब हम यहाँ पे एक वाटरप्रूफ काजल ले रहे हैं, काजल अप्लाई कर लेंगे अपनी आईज़ पे अपने विश के अकॉर्डिंग, पतला मोटा जैसा आप चाहें अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप एक पेंसिल ब्रश से इसको स्मज कर लेंगे तो ये और लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। वैसे तो ये वाटरप्रूफ है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग होगा। अब हम एक वाटरप्रूफ मस्कारा ले रहे हैं, यहाँ पे हम फॉल्स स्टाइल लैशेज अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि बिगनर्स के लिए वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। और अगर आप सीखना चाहते हैं कि फॉल्स स्टाइल लैशेज कैसे अप्लाई करते हैं, तो आई बटन पर क्लिक करके देखें मेरा वो वीडियो। और अच्छे से अपर एंड लोअर बोथ आई लैशेज पे हम इसको अप्लाई कर लेंगे। ये वाटरप्रूफ है तो ये कहीं भी नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो। अब हम बेकिंग करेंगे। हमने यह लैक्मे का लूज पाउडर लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, थोड़ा सा लेंगे, और इसको अपने अंडर आइज़ पे, अपनी जॉ लाइन पे अप्लाई कर लेंगे ताकि कोई क्रीजिंग ना हो। और दो तीन मिनट रखने के बाद इसको एक पाउडर ब्रश की हेल्प से डस्ट ऑफ कर लेंगे अच्छे से। देखिए कोई हार्श एजेस ना हो, हार्श लाइंस ना हो, अच्छे से इसे डस्ट ऑफ कर लें ताकि कोई भी क्रीजिंग होने के चांसेस ख़त्म हो जाएं और आपका मेकअप बहुत लॉन्ग लास्टिंग और फ्लॉलेस दिखे। अब हम यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर ले रहे हैं और इसको एक फैन ब्रश की हेल्प से अपने चीक बोन्स पे, अपने ब्रिज ऑफ द नोज, टेम्पल्स पे, चिन पे, क्यूपिड्स वो पे, जहाँ पे भी हमें चाहिए कि लाइट इफ़ेक्ट दिखे, लाइट है वो पड़े हमारे फेस पे जब हम पार्टी में जाएं, तो हम अप्लाई कर लेंगे। और इस पूरे मेकअप को एक लॉन्ग लास्टिंग मेकअप फिक्सर की हेल्प से स्प्रे करके सेट कर लेंगे। इसको थोड़ा दूर रख के स्प्रे करें अपने पूरे फेस पे और लीजिए हमारा लॉन्ग लास्टिंग ग्लोई स्वेट प्रूफ वाटर प्रूफ मेकअप रेडी है, जो कि इतनी जल्दी हो गया और बहुत ही ईजी था, आपने देखा गाइस। और अगर आप चाहें तो हाइलाइटर अपनी ब्राउ बोन पे भी लगा सकते हैं। और कितने ईजली हमने ये मेकअप लुक क्रिएट कर लिया है, और ये बिल्कुल स्वेट प्रूफ है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग है और बहुत ग्लोई है। तो अगर आपको ये मेरा मेकअप वीडियो अच्छा लगा हो या हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।